एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है सबने, मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सुलवानी बेगमगंज में भी कार्यकर्ता का जिसे फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था, हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर वन में ये झगड़ा फसाद थाने में किया, मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। सर बीडी शर्मा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है और क्या बचा, ये अब कहें क्या? मैं तो कह रहा हूँ अब उनके पास कहने लायक कुछ बचा नहीं, तो अब आ गई कांग्रेस की गुंडागर्दी। कोई एक उदाहरण है जहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी? सर कई जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टरों से आपकी बात हुई है? बहुत सारों से हुई, कल से हो रही है। हाँ मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी, वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल सही है, तब मैं चेक करता हूँ। सर चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, मगर नरोत्तम जी कह रहा है कि कांग्रेस यदि जीतती है या वोट आम जनता डालते कांग्रेस को तो खुशी पाकिस्तान को होगी। ये देखिए नरोत्तम मिश्रा खुद जीत ले पहले, तब वो पाकिस्तान की बात करें। उनकी हालत क्या है ये पता चलाइए। सर सीएम शिवराज ने आगे का रोड मैप बताया है कि कैसे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे, उसका रोड मैप भी उन्होंने तैयार कर लिया है, वो एक तरीके से बता रहे हैं कि बीजेपी इस सप्ताह में देने वाली है। मैं देखूंगा कौन सा रोड मैप है, अगर उनका रोड मैप विकसित करे समृद्ध मध्य प्रदेश। देखिए समृद्ध मध्य प्रदेश कहें क्या, ये शिवराज सिंह की तो तारीफ करते नहीं, शिवराज सिंह का चेहरा बनाने, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में शर्मा रहे, अभी तक शर्माया, अभी तो बड़े ताज्जुब की बात है कि किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम लेना छोड़िए इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम चुनाव की बात तय करेंगे। शिवराज जी आज सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे, और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बंबई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि लाडली बहना भारी तादाद में वोट कर रही है, हम देख लेंगे ना 3 तारीख को, 3 तारीख को भी आप मुझे मिलेंगे, ठीक है। क्या सर बीडी शर्मा जी कह रहा है कि ग्रीन बोल्ड हो गए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बेटे? अब देखिए ये तो 3 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, कौन क्लीन बोल्ड हुआ कौन रन आउट हुआ सब बात सामने आ जाएगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं, सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को सिर्फ सत्ता से प्यार है, ना धर्म से प्यार है, ना राम से प्यार है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं है, सच्चाई का चुनाव है, और अंत में सच्चाई की जीत होगी। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं बीडी शर्मा हूँ, ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें आएंगी। सर एक आखिरी सवाल था, नए भोपाल में कई बूथों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स नहीं है, क्या आप कभी बात करेंगे? मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर पूरे प्रदेश में मुझे जानकारी होगी, खास करके जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के वो मुझे फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या स्थिति है, सब बड़े खुश हैं, सब बड़े जोश में। सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी तो 150 का दावा कर रहे हैं, आप इसको मानते हैं? आप? मैंने कहा मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरा बस एक ही दावा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। चलिए बहुत हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने गृह क्षेत्र शिकारपुर में अपने सांसद बेटे नकुलनाथ और बहुप्रिया नाथ के साथ सुबह 7:30 बजे मतदान किया। यह दूसरा मौका था जब कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया हो। कमलनाथ मतदान करने से पहले शिकारपुर के हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान पूजा अर्चना के बाद उन्होंने शिकारपुर में अपना वोट डाला। इसके बाद कमलनाथ ने पीसीसी भोपाल से एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार जनता इस बार सच्चाई का साथ देगी। उनसे जब पूछा गया कि इस बार कांग्रेसी कितनी सीट आ रही है, तो कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूं कि इतनी सीट आएगी उतनी सीट आएगी, यह जनता तय करेगी कि कितनी सीट आएगी, मैं जनता पर छोड़ता हूं। कमलनाथ ने मीडिया के माध्यम से युवा वोटरों से कहा कि वह बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ अपने पहले वोट का प्रयोग करे। मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से चौपट और बर्बाद कर दिया है। कमलनाथ ने मुरैना एसपी पर गंभीर आरोप लगते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं मुरैना एसपी, बीजेपी शराब और पैसा बांट रही, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने शिवराज को नौटंकीबाज बताया, कहा वो बेरोजगार होने वाले हैं, उन्हें मुंबई भेजेंगे एक्टिंग करने। राजनगर की घटना पर बोले नाथ, मेरी नाती राजा से बात हुई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। नरोत्तम मिश्रा को लेकर बोले कमलनाथ, वो खुद हार रहे हैं। पिछले दो महीनों से चुनाव में जुटी राजनैतिक पार्टियों का दिन आज खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज मतदान हो रहा है और इससे 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय होगा।